और हूँ मैं बेनती करांगा साडे प्रदेश लक्ष्मी जाखर जी नूं माने साडे दरम्यान साडे प्रदेश अध्यक्ष श्री जाखर जी ते सारे परिचित हो उन्हां दे नाल साडे पंजाब प्रदेश के प्रभारी श्री विजय रूपाणी जी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात उन्होंने नाल बैठे ने परमिंदर जी साडे महामंत्री और राकेश राठौर जी जतिंदर मित्तल जी साडे उपाध्यक्ष ने लुधियाना जिला अध्यक्ष रजनीश जी ने हूँ मैं बेनती करांगा माननीय रूपाणी जी बहुत ही थोड़े सारिया का धन्यवाद अज माननीय गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ते साडे पंजाब दे प्रभारी विजय रूपाणी जी तीन सूबियां दे अंदर बीजेपी की रिसाउंडिंग विक्टरी मतलब एक बड़ी तकड़ी जित दे बाद अज रूपाणी साहब इत्थे आए है। मौसम भी बदले है, सर्दी आ गई ते पोलिटिकल मौसम भी बदले है। सब कईयां नूं कमणी चढ़ गई, कई लोग महसूस कर रहे हैं, कईयां नूं सेका लग्या, कुछ लोग जो साढ़े जो छड़ के गए सी उन्हां नूं अज सेका भी लग्या ते कईयां दे कमणी भी चढ़ गई है भी अगे उन्हां दा की बनूगा। इस करके इन्हां हालातां दे विच आ के इत्थे दी राजनीतिक स्थिति का जायजा लैण वास्ते खास तौर पर रूपाणी जी इत्थों आए है। सारे इन्होंने सलाह करके सारे नाल गलबात करके हालात नूं समझिया है, अपनी जो सारे नाल डिस्कशंस कीती है ते अज हिंदुस्तान दे पोलिटिकल सिनारियो च की लोग देख रहे हैं, किन्हां गल्लां नूं लै के लोगों ने एक अनएक्सपैक्टिड, क्योंकि तुसीं भी देखो जिस तरह पोल ऑफ पोल्स जिहड़ा सीगा वह भी कई स्टेट्स उन्हां दी झोली च पा रहा सीगा ते की हालात बन रहे है सो कॉल्ड इंडी अलायंस दे ते की हालात उहदा इंपैक्ट पंजाब दे उत्ते पऊगा। इन्हां सारे गल्लां दे उत्ते अज इन्हां ने सारे नाल दो दिनां तों विचार सांझे कर रहे है, राय लै रहे है। उसे मसले च अज मैं रूपाणी साहब नूं रिक्वेस्ट करूँगा भी वह थोड़े सारे नाल इस मसले ते स्थिति नूं डिस्कस कर। रूपाणी जी प्लीज। अभी जो चार पांच राज्यों में चुनाव हुआ, तीन राज्यों में तो एब्सोल्यूट सरकार भी बनी, तेलंगाना में भी पहले से ज़्यादा सीट आई, वोट शेयर भी बढ़ा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश भर में लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा है। ये चुनाव पॉलिटिकल जो एनालिसिस करते थे वो कहते थे कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल 24 में आने वाली है, तो सेमीफाइनल बहुत अच्छा स्कोर से हम लोग जीते हैं तो फाइनल क्लियर हो जाएगा, ऐसा आज थोड़ा वायुमंडल भी बन गया है। और देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक ने काफी उत्साह भी बढ़ाए, लोगों में भी विश्वास बढ़ाए कि भाई नहीं, मोदी सरकार ठीक चल रही है और 10 साल मोदी सरकार ने जो काम किया है वो जनता की अपेक्षा के अनुसार ये काम हुआ है। खास तौर पर गरीब वंचित पीड़ित लोगों की समस्या दूर की है, कई सारी योजनाएं बनाई है और देश की जो समस्या थी धारा कश्मीर में 370 से लेकर राम मंदिर का निर्माण और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये सारी बातें जो हमने वादा किया था वो पूरा भी किया है। तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। मैं दो दिन से पंजाब में मेरा दौरा चल रहा है, काफी उत्साह दिखाई पड़ता है और हमारी बैठक भी हुई है, हमने भी रणनीति संभाल कर बना रहे हैं हम लोग। और पंजाब में भी आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और
दो एमपी हमारे हैं, इसकी संख्या भी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा एमपी यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के चुनकर जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। खास तौर पर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसमें भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सरकार ने जो योजना बनाई वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये मकसद है, उसका लाभ लें और उसके आधार पर व्यक्ति का विकास, उसका परिवार का विकास और वो भी आगे बढ़े, ये संकल्प यात्रा का मकसद भी है। और पंजाब में भी सभी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये यात्रा चल रही है। मुझे दुख भी है कि पंजाब सरकार उसमें नेगेटिव चल रही है। ये जो लाभ गरीबों को जो मिलने वाला है योजना के द्वारा माध्यम से, वो योजना का अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे हैं और पॉलिटिकल स्वार्थ, राजकीय स्वार्थ के आधार पर ये सरकार चल रही है, उसका दुख भी है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि केंद्र की सरकार ने जो योजना बनाई है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका लाभ ले, तो भारत विकसित यात्रा में पूरी पार्टी कमर कसकर काम कर रही है और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। मैंने सुबह भी बताया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी अकेले ही आगे बढ़ रही है, लेकिन चुनाव के वक्त जो होगा वो पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन चुनाव के वक्त जो कुछ चर्चा करेंगे, अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी अकेले ही हम आगे बढ़ रहे हैं। चेंजेस शब्द तो प्रॉपर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले यानी कि आगे बढ़ रही है। जाखड़ जी के नेतृत्व में काफी पार्टी आगे बढ़ रही है और पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से कमर कसकर काम कर रहे थे वैसे ही दिन प्रतिदिन उसमें भी उत्साह और कार्यकर्ता में काफ़ी प्रयत्न भी कार्यकर्ता कमर कसकर कर रहे हैं और पहले से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये सारी गलत प्रचार है, वो अपनी कमजोरियां को छुपाने के लिए केंद्र की सरकार पर आक्षेप कर रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सभी राज्यों को जिस तरीके से बाय लॉस मिलने वाला है वो पंजाब को भी केंद्र सरकार दे रही है, कर रही है। रूपाणी जी, कांग्रेस के कई बड़े नेता पहले आपके बीजेपी में शामिल हुए लेकिन वापस फिर कांग्रेस में लौट गए, आपको लगता है कि उनके जाने से कुछ ना कुछ जो है आपको बल मिलने वाला था उसमें अभी वो चीज नहीं मिलेगी? देखिए पहले भी काफी कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए हैं, आज भी आने वाले हैं, वो तो चलता ही रहता है क्योंकि कांग्रेस अब डूबती नाव बन गई है, इसलिए अच्छे लोग कांग्रेस के जो बीजेपी में आना चाहते हैं हम उसको भी शामिल कर रहे हैं। अभी भी हम आपके सामने कांग्रेस के ज्वाइनिंग को ज्वाइनिंग कर रहे हैं। परमिंदर कर रहे हैं, वो एमएसपी के नारंगी नहीं, केंद्र सरकार किसानों के प्रति हमदर्द है और देखते हैं करेंगे। परमिंदर जी साडे जनरल सेक्रेटरी ने, मैं उन्होंने बेनती करांगा कि जेडे लोगों को ज्वाइन करवाना है उसके बारे में तुसी देख रहे हो, हर रोज चाहे वह तहसील पद्धर होवे, जिला पद्धर होवे, स्टेट पद्धर होवे, जे परिवार वध रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का वध रहा है।
ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਵਲ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ ਆਦਮਨਗਰ ਤੋਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਮੰਚ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਰੂਪਾਲੀ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਜੀ ਹੈ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਉਬੀ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਨਦੀਪ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਜੀ, ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ MC ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਮੌਜੂਦਾ MC ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ, ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਰੂਪਾਨੀ ਜੀ ਸਰ ਰੂਪਾਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਬਕਾ MC ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਸੁਰੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਵਿੱਚ ਚਲੋ